जो आमिर खान जी का जो था तारे जमीन पे भी देखा, तो वो मुझे बहुत टच किया। बायोलॉजी पढ़ाते थे रंगा राव सर, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एंजॉय करके पढ़ाई करनी चाहिए। बेस्ट टीचर इन लाइफ मेरे हिसाब से मेरी मम्मी है, मदर है, जिन्होंने हमेशा मुझे बताया क्या सही है क्या गलत है। इंटेलेक्चुअल इनपुट के साथ एक मॉरल पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदमी कैसे अच्छा नागरिक बन सकता है। जब भी विफलताएं आई तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो समझे कि बच्चे की क्या आवश्यकता है, क्या उसका सही मेथड है पढ़ने का। आप घर में अच्छा पढ़ सकते हैं, कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं, ट्यूशन की आवश्यकता है कि नहीं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। निश्चित रूप से मेरी मदर का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो बायोलॉजी पढ़ाते थे रंगा राव सर, उनका बहुत मेरे को इन्फ्लुएंस रहा। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, कैसे एंजॉय करके पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे खुद चीज़ों को समझना चाहिए, बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, चीज़ों को दिमाग में कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे एग्ज़ाम के टाइम उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो निश्चित रूप से उनके टीचिंग स्टाइल और उनके फादरली लव दोनों के कारण मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट। जहाँ तक मूवी शो की बात है तो जो आमिर खान जी का जो था जिसमें कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम बच्चों के साथ उन्होंने तारे ज़मीन पे भी देखा, तो वो मुझे बहुत टच किया। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके साथ तो सब टीचर्स पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े डिफरेंटली एबल्ड रहते हैं, जो कि भगवान की ये से वो बहुत चीज़ें पिक नहीं कर पाते, कमज़ोर बच्चों के साथ जो टीचर टाइम दे पाए और उनको उभार पाए, वो एक सही टीचर है। इंटेलिजेंट बच्चों को सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर बच्चे जो कि जिनको आईक्यू कम है, जिनको मेंटल रिटार्डेशन है या कुछ डिफरेंटली एबल्ड है, उनको जो आगे लाइफ में ले पाए, उनको जो आगे बढ़ा पाए, वो असली टीचर। बिगेस्ट सपोर्ट जो है मेरा ब्रदर था, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस MP काडर में है, दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, उसको दो अटेम्प्ट और लगे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में शेयर करते थे। और ये एक लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीयर ग्रुप अच्छा हो, पीयर ग्रुप ऐसा हो जहाँ पे हम छोटा बड़ा सोच के साथ में पढ़ें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। किसी भी बड़े एंट्रेंस की तैयारी के लिए, स्पेशली UPSC के लिए, एक पार्टनर की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। यदि आप साथ में पढ़ें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा स्टडी ग्रुप ना हो, छोटा स्टडी ग्रुप हो, डेडिकेटेड स्टडी ग्रुप, ऐसा स्टडी ग्रुप हो जहाँ कोई ईगो ना हो, जहाँ पे कंपटीशन पॉजिटिव हो, जहाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाने की हो, जो दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो उसे हम सीख पाएँ, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से वो सीख पाए। ग्रुप डिस्कशन का काफ़ी फ़ायदा होता है, पीयर डिस्कशन का बहुत फ़ायदा होता है, हम एक दूसरे के आंसर शीट चेक कर सकते हैं। तो ब्रदर के साथ में तैयारी करने से मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को शुभकामनाएँ देता हूँ। देश के इंटेलेक्चुअल मोरल और मॉरल डेवलपमेंट में सबसे अहम योगदान टीचर्स का है। आज मैं जो हूँ और देश जो बन रहा है वो सब शिक्षकों के कारण है। और इस दिन मैं शिक्षकों को सर नमन करके उनको प्रणाम करता हूँ।